अगर आपसे शार्क पकड़ने को कहा जाए तो क्या आप ऐसा करोगे? कुछ लोग कर भी लेंगे, लेकिन पूरे फिशिंग गियर के साथ। पापुआ न्यू गिनी में कोंटू आइलैंड पर बसी तांबिन ट्राइब के लोग बिना किसी फिशिंग गियर के एक फंदे और कोकोनट शेल से बने रैटल के सहारे शार्क पकड़ते हैं, और ये सब होता है खुद को मर्द साबित करने के लिए। यह एडवेंचर शुरू होता है बोट बनाने से, जो आपको खुद बनानी होती है। बाद में खास फंदा और कोकोनट शेल रैटल बनाए जाते हैं। इनके अलावा फिशिंग का कोई भी इंस्ट्रूमेंट अलाउड नहीं है। इसके पीछे भी एक कहानी है। जब ये लोग भूखे थे, तब इनके भगवान मोरो इनके सपने में आए और इन्हें शार्क पकड़ने का सीक्रेट बताया, और अब मोरो ही शिकार के लिए शार्क भेजते हैं। इसीलिए शार्क हंट पर जाने से पहले इन्हें खुद को प्योर रखना पड़ता है, जिसके लिए कुछ दिन सेक्स और वो खाना अलाउड नहीं है जिसे किसी पंछी ने छुआ है। दोस्तों, इसके पीछे भी एक साइंस है। जब ये लोग कोकोनट शेल रैटल को पानी के अंदर हिलाते हैं, इसके वाइब्रेशंस काफी दूर तक जाते हैं। शार्क को लगता है कि ये कोई इंजर्ड फिश है, इसलिए शार्क इनकी बोट के पास आती है और इनके फंदे में फंस जाती है।